बताने जा रहा हूँ कि हम ब्लॉगर से अपने नेम डॉट कॉम पर कैसे रिडायरेक्ट करेंगे ब्लॉगर को अपने। तो इसके लिए सबसे पहले ओपन करते हैं ब्लॉगर। यहाँ पर साइन करते हैं अपना अकाउंट पे। ये मेरा ब्लॉगर का ब्लॉग खुल गया है। अभी जाते हैं name.com पे। यहाँ पे लॉगिन करते हैं। ये अपने name.com के पैनल पे आ गए। यहाँ पे ये हमारा ये डोमेन है, यहाँ पे हमारा इसको ओपन करेंगे। ठीक है, अभी अब आ जाते हैं हम ब्लॉगर पे। यहाँ पे हम जाएंगे सेटिंग में और यहाँ पे सेटिंग में जाएंगे सेटअप थर्ड पार्टी यूआरएल फॉर योर ब्लॉग। यहाँ से हम अपना डोमेन कॉपी करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करना है। सॉरी, अभी यहाँ पे हमको www. ज़रूर लगाना है। बिना इसके जो है ये हम ये हो गया हमारा। यहाँ पे सेव करेंगे। अब देखें यहाँ पे है, इसने हमको दिया है ये। यहाँ से उठा के कॉपी करेंगे इसको और यहाँ पे आएंगे, यहाँ आएंगे DNS रिकॉर्ड में। ठीक है, अब यहाँ पे टाइप में सबसे पहले आएंगे सीनेम में और होस्ट में यहाँ पे ये www पेस्ट कर देंगे और दोबारा यहाँ आ जाते हैं। यहाँ से ये कॉपी करेंगे और इसको यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी। फिर यहाँ से ऐड रिकॉर्ड करेंगे, दूसरे रिकॉर्ड में आएंगे। यहाँ पे भी हम सिलेक्ट करेंगे सीनेम और यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे इसके नीचे वाला हिस्सा, ये सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे इसको करेंगे पेस्ट। और यहाँ से ये दूसरा वाला, इसको भी कॉपी करेंगे, इसको भी करेंगे पेस्ट। ठीक है, यहाँ पे पेस्ट करके इसको दोबारा फिर ऐड रिकॉर्ड करेंगे। और अभी यहाँ पे ये ए ही सिलेक्ट रहेगा और यहाँ पे हम सिलेक्ट वो डालेंगे 216.239.38 डालेंगे। यहाँ पे दोबारा फिर ऐड रिकॉर्ड करेंगे। यहाँ पे 216 239, यहाँ पे करेंगे 32 की जगह 34 कर देंगे और बाकी सेम रहेगा। अभी यहाँ पर भी, यहाँ पे हम कॉपी करके भी डाल सकते हैं। कॉपी करके पेस्ट कर दिए, यहाँ से बस ये वैल्यू हमको चेंज करनी है। इसको यहाँ पे करेंगे 36, इसको ऐड करेंगे, यहाँ आ जाएंगे, इसको भी पेस्ट करेंगे। अभी इसको कर देंगे 38। अभी हमने इसको कर, ये हमने यहाँ पे ये सेटिंग कर दी है। ठीक है, इसको भी ऐड कर देंगे। अब हम आते हैं यहाँ पे और फिर इसको करते हैं सेव। ठीक है, अभी ये देखें हमारा ये एडिट पे जाएंगे और यहाँ पे हमने यहाँ पे इसको टिक करना है, रिडायरेक्ट करना है इसको। जब तक इसको टिक नहीं करेंगे जब तक वो रिडायरेक्ट नहीं करेगा हमारे इस डोमेन पे। अभी हम यहाँ पे
ब्लॉग देखते हैं अपना, चेक करते हैं। ये देखिए हमारा ब्लॉग, ये डोमेन हमारा अभी इस पर रिडायरेक्ट हो गया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ गई होगी।